नमस्ते, मैं डॉक्टर विजय कुमार माने, एमडी होम्योपैथी, सीईओ मॉडर्न होम्योपैथी, मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक्स अक्रॉस इंडिया। आज हम कैंसर के बारे में बात कर रहे थे। कैंसर में कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है और मॉडर्न होम्योपैथी में क्या ट्रीटमेंट है, कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट और मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट में क्या फ़र्क है, ये इसके बारे में हम बात करेंगे विथ एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे और उससे पता चलेगा कि मॉडर्न होम्योपैथी इज सुपेरियर टू कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। तो कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में प्राइमरीली रेडिएशन, केमोथेरेपी और सर्जरी ये सम्मिलित होता है। बहुत बार कन्वेंशनल लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में समझो इसोफेजल कैंसर है या फेफड़े का कैंसर है या वजाइनल कैंसर है या यूटेराइन कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, इसमें क्या किया जाता है? पहले रेडिएशन, केमोथेरेपी और बाद में सर्जरी की जाती है। तो बहुत से कैंसर में यही लाइन की ट्रीटमेंट होती है। इससे क्या होता है, टेम्पररीली कैंसर सप्रेस हो जाता है, कम हो जाता है और बाद में कुछ पेशेंट में 2-3 महीने के बाद या कुछ पेशेंट में 6 महीने के बाद, कुछ पेशेंट में 1 साल के बाद या 2 साल के बाद या कुछ केसेस में 5 साल के बाद कैंसर का रिकरेंस होने का खतरा बहुत बड़े पैमाने पर रहता है। लेकिन हमने जब मॉडर्न होम्योपैथी से कैंसर ट्रीट किए, पिछले 26 साल से हम मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार पद्धति से कैंसर ट्रीट कर रहे हैं, तो हम मॉडर्न होम्योपैथी के उपचार करने से कैंसर में क्या फायदा होता है उसके बारे में बात करेंगे विथ एग्जाम्पल। तो मेरे पास अभी, मैं आपको 2 एग्जाम्पल अभी दे सकता हूँ, बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, टाइम की वजह से अभी 2 एग्जाम्पल पे बात करेंगे। एक केस है, एक पुणे का केस है, पद्मिनी वाघ चौरेवासा उनका नाम है, उनका वीडियो भी हमारे पास है, उसका टेस्टिमोनियल भी है विथ रिपोर्ट भी, उनका वीडियो चाहिए तो आपको अवेलेबल हो सकता है। तो जब हमारे पास वो आई थी तो उनकी उम्र 58 साल थी, 58। 2012 में उनकी जांच की गई तो जीभ का कैंसर, उनको जीभ का कैंसर है ये पता चला। उसके बाद सर्जरी हो गई, उसके बाद रेडिएशन हो गई, लेकिन 2017 में उनको फिर रिकरेंस हो गया और रिकरेंस होने के बाद सीटी स्कैन निकाला तो सीटी स्कैन में उनका ट्यूमर जो था वो 2.6 सेंटीमीटर इंटू 1.7 सेंटीमीटर का पाया गया। जुलाई 2017 में उन्होंने मॉडर्न होम्योपैथी की ट्रीटमेंट शुरू कर दी। उपचार शुरू करने के बाद पहले 15 दिन से उनको अच्छा लगना शुरू हो गया, उनको जो जीभ की गठान थी वो कम होने लगी, वो उसमें वॉइस में सुधार हो गया। और अप्रैल 2018 में हमने सीटी स्कैन किया तो उनका जीभ का कैंसर पूरी तरह चला गया था। अभी ये साल 2022 चल रहा है तो 4 साल हो गए, फिर से रिकरेंस नहीं हुआ है। तो ये है मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट, जो रिकरेंस, जो जो केस में रिकरेंस होता है वैसे केसेस में भी मॉडर्न होम्योपैथी ट्रीटमेंट से कैंसर ठीक हुआ है, ऐसा ये रिपोर्ट से पता चलता है। दूसरी एक केस है वो ब्लड कैंसर की है, तो 2016 में उनको, उसका नाम है, उनका पेशेंट का नाम, उनका भी वीडियो अपने पास है, 2000 टेस्टिमोनियल विथ रिपोर्ट भी है। 2016 में उनको ब्लड कैंसर का निदान हो गया, हीमोग्लोबिन और प्लेटलेट काफ़ी कम हो गए थे, ब्लड सेल काउंट उनका 12% बढ़ गया था और उनको उपचार शुरू कर दिया तो 10 मार्च 2017 के जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक उनके सभी रिपोर्ट नॉर्मल आ गए। एक केस में क्या हुआ था, उन्होंने कोई एलोपैथी की ट्रीटमेंट, केमोथेरेपी, जनरली ब्लड कैंसर में केमोथेरेपी दी जाती है, तो कोई भी एलोपैथी की ट्रीटमेंट उन्होंने नहीं लिया था। अब तक पेशेंट जीवित है और पूरी तरह स्वस्थ और नॉर्मल है, शायद उनकी शादी भी अभी हो गई होगी। तो इसी हिसाब से मॉडर्न होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से कैंसर में क्यूरेटिव लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, बहुत से पेशेंट को उसका फायदा हो जाता है। ऐसा नहीं कि एक को फायदा होता है और 10 को नहीं होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेशेंट्स को उसका फायदा हो जाता है। एक तो ज़्यादा समझो फैली गई बीमारी है तो हम ज़्यादा लाइफ दे सकते हैं, नॉर्मल लाइफ दे सकते हैं, हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, या समझो जो कैंसर नियंत्रित रूप से है उनको पूरी तरह ठीक भी कर सकते हैं। लेकिन दूसरे तीसरे स्टेज के कैंसर में भी बहुत से पेशेंट ठीक हुए, कुछ पेशेंट चौथे स्टेज में भी हमारे पास ठीक हुए, ऐसा पिछले 26 साल का हमारा अनुभव है। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट जो है www.modernhomeopathy.com ये देख सकते हो।
हमारा यूट्यूब चैनल भी है मॉडर्न होम्योपैथी के नाम से, वो देख सकते हो। हम इंस्टाग्राम पे भी है, व्हाट्सअप पे भी है, सभी तरह आप जानकारी ले सकते हो। आपको लगता है कि मॉडर्न होम्योपैथी के लोग जो बात कर रहे हो वो फर्म बात है तो आप हमसे अटैच हो सकते हो। नमस्ते और धन्यवाद।